नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, राई वाला हरी मिर्च का अचार, जो बहुत ही टेस्टी बनता है और फटाफट बनता है। और पता है आपको, हम लोग इंडियंस तो खाने के साथ अचार के बगैर रह ही नहीं सकते, तो हमें हर समय अचार चाहिए होता है खाने के साथ, लंच में डिनर में। तो मैं उसकी रेसिपी लेके आई हूँ, चलिए मैं उसकी रेसिपी आपको बताती हूँ। पर उससे पहले आपसे एक चीज कहना चाहूंगी मैं, कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर डालिए फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। चलिए अब हम हरी मिर्च का अचार बनाना शुरू करते हैं। इसका अचार बनाने के लिए देखिए, मैंने मोटी हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है और थोड़ा डार्क कम है ये मिर्च का। आप कलर देखे होंगे, क्योंकि जो डार्क कलर की होती है बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, तो हमें थोड़ी कम स्पाइसी मिर्ची लेनी है, क्योंकि इसको चटपटा, इसमें राई डलेगी, सब कुछ डलेगा। तो कोशिश करिए कि थोड़े बड़े साइज़ की हो और थोड़ा सा लाइट कलर हो मिर्ची का। तो चलिए अब हम इस मिर्ची के अचार को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने मिर्चों को धो के अच्छे से सुखा लिया था और एक मलमल के कपड़े से पोंछ लिया था, कि जिसमें इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी ना हो, नहीं तो अचार ख़राब हो जाता है। अब हम देखिए मिर्चों को काटना शुरू करेंगे। मैं आपको अचार दो तरीके से बताऊँगी। पहले तरीके में देखिए, सबसे पहले डंठल, तो सारी मिर्चों की सबसे पहले हम ये डंठल है ना, ये निकाल लेते हैं सारी मिर्चों की, उसके बाद हम दोनों तरीके से अचार बनाते हैं। देखिए मिर्चें मैंने बोला ना दो तरीके से बनाऊंगी। देखिए पहले तरीके में मिर्च मैंने साबुत मिर्च ले ली, इसको सबको ही पता होगा, इस तरीके से ऊपर से नीचे तक ले जाते यहाँ तक पूरा चीरा लगा लिया। ये देखिए इस तरीके से मिर्ची को काट लेंगे और साइड में रखते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ऊपर से नीचे जाते जाते, ये देखिए ये मिर्ची में पूरा चीरा लगा देंगे। इस तरीके से करेंगे और थोड़ी मिर्चें मैं रोक लेती हूँ, जो मैंने दूसरे तरीके से बताया उसके लिए, बाकी में चलिए मैं चीरा लगा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतनी मिर्चों में चीरा लगा लिया अच्छे से, और इतनी मिर्चें मैंने रख ली है, वो उस तरीके से आपको बताती हूँ कि इस मिर्चों का अचार कैसे बनाना है। चलिए हम इनको भी काट लेते हैं। इन मिर्चों के लिए हम एक एक मिर्च लेंगे और इसके इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। ये देखिए, आपको इससे थोड़े बड़े, इतने बड़े बड़े पीसेस करने हैं तो आप इतने बड़े बड़े भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं तो ये छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ, इस तरीके से सभी मिर्चों के इतने बड़े बड़े मैं पीस कर लेती हूँ सारी मिर्चों के। उसके बाद हम फिर प्रॉपर मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने छोटी छोटी सारी काट ली हैं मिर्चें, ये लास्ट मिर्च है। आप इसको कोशिश करिएगा या तो सीजर्स से काटिएगा या ऐसे ही नाइफ से काटिएगा, हाथ से पकड़ के मत काटिएगा, क्योंकि मिर्चें तीखी होती हैं, उसके बाद अगर आँख में लग गई तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होगी। तो चलिए हमारी ये मिर्च भी कट गई हैं, अब दोनों तरीके की मिर्ची, चीरा भी लग गया और नहीं है, तो चलिए अब हम इन दोनों तरीके की मिर्ची का अचार बनाते हैं। मिर्च का अचार बनाने के लिए मैंने 4 टेबलस्पून सरसों का तेल लिया है और इसको गरम करने रख दिया है। इसको हमने जलाना है। जलाते हैं हम इसलिए क्योंकि इसमें काफ़ी तीखापन होता है, वो उसकी तीखापन कम करने के लिए हम इसको जलाते हैं। तो जब इसमें अच्छे से धुआं निकल जाएगा इसको, तब तक हमने गरम कर लेना है अच्छे से, उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे अच्छे से धुआं निकल रहा है, मेरा तेल बिल्कुल अच्छे से जल गया है। अभी बस तेल थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे, ज़रा सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग। 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे तेल थोड़ा ठंडा होने पर। तेल थोड़ा ठंडा हो गया है तो अब हम इसमें 1/4 टीस्पून देखिए हींग डाल देंगे। बहुत गर्म तेल में नहीं डालना है, बस इसको अच्छे से हिला लेंगे और उसके बाद हम इस तेल को साइड में रख देंगे। चलिए अब हम बाकी के मसाले की तैयारी कर लेते हैं मिर्ची के अचार के। चलिए अब हम इसके मसाले पीस लेते हैं। मसाला पीसने के लिए मैंने एक पैन लिया है, इसमें देखिए मैं 1 टेबलस्पून मोटी सौंफ लूँगी और 1 टेबलस्पून ये महीन वाली राई आती है ना, ये लूँगी मैं, और 1 टेबलस्पून ये पीली आती है, सरसों भी बोल सकते हैं आप, राई भी, ये ले लूँगी। 1 टेबलस्पून ये, 1 टेबलस्पून महीन वाली, और 1 टीस्पून ये मेथी दाना ले लूँगी। और इनको हमने ज़्यादा नहीं भूनना है, बस अच्छे से ये हो जाए कि पिस जाए, इसलिए 1 मिनट ही भूनना है बस। ये देखिए हमारे हो गए अच्छे से। अब इस टाइम पे हम गैस बंद कर देंगे और इसके बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा हो गया है, अब इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के दरदरा पीस लेंगे। इसको हमें बहुत महीन नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा पीस लेते हैं। मेरा मसाला पीस गया है अच्छे से, मैंने दरदरा मसाला पीस लिया है। तो चलिए अब हम इसको मिर्चों में भरना स्टार्ट करते हैं, मसाला पूरा और भी बाकी चीज़ें डाल के। देखिए इस मसाले को हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं,
और बाकी मसाले भी क्योंकि हमें ऐड ऑन करने हैं, इसमें सारे मिलाने हैं। इसके बाद देखिए हम इसमें डालेंगे, ये मैं यूज़ कर रही हूँ काला नमक, 1/4 टीस्पून काला नमक डालेंगे इसमें हम, और अराउंड 1/4 टीस्पून कलौंजी डालेंगे। ठीक है, ये डाल देते हैं। चलिए बाकी के मसाले भी फिर ऐड कर लेते हैं। इसमें मैं डालूँगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, और इसके बाद हमने डालना है 1/2 टीस्पून, हाफ से थोड़ा ज़्यादा सॉल्ट डल जाएगा, और डालेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। हमारे ये मसाले सारे हो गए। नमक थोड़ा सा, इसमें देखिए मसालों में प्रिजर्वेटिव का काम करता है, तो नमक आपको लगे तो थोड़ा सा नमक आप और ऐड कर लीजिएगा। अब इसके बाद ये देखिए हम मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ये देखिए। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे इन मसालों में थोड़ा सा अभी सरसों का तेल। चलिए जो हमारा तेल ठंडा हो गया है, इसमें देखिए घी भी मिक्स की हुई थी हमने, थोड़ा हमें बचाना है क्योंकि हमने दूसरा वाला अचार भी आपको बताना है। देखिए आधे से कम रखेंगे क्योंकि वो हमने ज़्यादा मिर्चें भून ली थी, इसका ध्यान रखेंगे कि हमारे में हींग भी आई है, देखिए नीचे बैठी हुई है। ये देखिए हमने थोड़ा सा छोड़ दिया ये तेल, बाकी हम यूज़ कर लेंगे, और इसको हम अच्छे से ये देखिए मिक्स कर लेंगे सबको। ये हमारा मसाला बन जाएगा, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए तेल इतना ही डाला है जिससे मसाले अच्छे से तेल में मिक्स हो गए। आप देखिए एक्स्ट्रा ऑयल, सरसों का तेल आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा, बस उतना ही है। ये हमारा मसाला मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा मसाला लेंगे, और उसके बाद एक एक मिर्च खोलेंगे और उसमें हम डालते जाएंगे। देखिए ये मिर्च है, हाथ से ही ले लेंगे या चम्मच से डालेंगे, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। ये देखिए भरते जाएंगे, साइड में रखते जाएंगे। ये देखिए इसको खोलिए, ये देखिए इसी तरीके से पूरी मिर्ची में मसाला भर देंगे, और ये देखिए साइड में ये भरते रखते जाएंगे। ये देखिए ज़्यादा मसाला मत भरिएगा, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं भरना है। ये देखिए इसके बाद इसको यूँ करके इसी तरह, चलिए हम सारी मिर्चों में मसाला भर लेते हैं। ये मेरी सारी मिर्चों में मसाला भर गया है, और उसके बाद ये मसाला बच गया है, तो इससे हम चलिए बाकी मिर्च भी तो हमने रखी हुई है ना, उसके लिए ही जो मैंने बताया था वो तो 250 ग्राम के हिसाब से बताया था, तो जो बाकी की मिर्ची काट के रखी है अब हम इस मसाले से उस अचार को भी बना लेते हैं। देखिए अब ये हमारी मिर्चें हैं कटी हुई, और ये मसाला है, तो हम कुछ नहीं करना है, ये हम देखिए ये मिर्चें इस मसाले में पलट देंगे इसी में। देखिए बीजे जितने एक्स्ट्रा हैं हटा देते हैं, ये हमने डाल दिया। अब इसमें ये देखिए सरसों का तेल हमने बचा के रखा था हींग वाला, वो हम सारा इसमें डाल देंगे। ये डाल दिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ये वाला अचार हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको आप अभी बॉटल में भरिए, पर अभी एक इंग्रेडिएंट बचा है, वो उसका मैं बताती हूँ, आप डालें या ना डालें, चलिए मैं उसके बारे में भी बताती हूँ। इस समय लास्ट में हम इसमें 1 स्पून सिरका डालेंगे। सिरके के 2 बेनिफिट हैं, एक तो ये खट्टापन दे देता है थोड़ा अचार को, और एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है। ये अचार तो हमारा अच्छे से बिल्कुल रेडी है, इसको मिक्स करिए, बॉटल में भरिए, और आप 2 से 3 घंटे बाद इस अचार को खा सकते हैं। बिल्कुल खाने के लिए तैयार है ये अचार, बस 2 से 3 घंटे में मसाले रस जाएंगे। और इस अचार को छोटा छोटा मिर्ची काटी है ना, तो ये बिल्कुल खाने के लिए आपका तैयार है। अब बचा वो वाला अचार, तो चलिए उसके बारे में भी मैं आपको 2 चीज़ें बताती हूँ। अब इस अचार में भी ऊपर से हम देखिए ये 1 टेबल स्पून अराउंड ये विनेगर डालेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ से कर लीजिए, स्पून से कर लीजिए, इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने अच्छे से विनेगर मिक्स कर दिया है, ये अच्छे से देखिए। आप एक तरीका ये है कि आप इसी अचार को बॉटल में भरिए और इसको यूज़ करिए, 1 से 2 दिन में ये अचार खाने लायक हो जाएगा, और ये भी अचार भी हफ्ता आराम से चल जाता है। कोशिश करिए इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं बाद में, पर अगर आपको ज़्यादा अचार डाल रहे हैं और काफ़ी टाइम तक रखना है, तो इसके लिए चलिए मैं है वो भी बता देती हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप इसको का ग्लास की किसी भी जार में डालिए और इसको रख दीजिए
चार छह दिन आपका इजीली ऐसे चल जाएगा, उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। अब इसको आपकी इसको बढ़ाना है कि आप 15-20 दिन के लिए बनाना चाह रहे हैं ज़्यादा, तो अब चलिए मैं 2 टेबलस्पून ऑयल सरसों का तेल और फिर से जलाऊंगी और वो इसमें डाल के किसी ग्लास की जार में डाल के रखेंगे हम लोग। देखिए हमारे दोनों अचार इस तरह इंस्टेंट खाने के लिए रेडी है, मैंने आपको दिखा दिया। अब बाकी इनको लंबे समय तक थोड़ा रखना है आपको, तो उसके लिए देखिए मैंने सरसों का तेल जला लिया है और उसको बहुत ठंडा करके बिल्कुल नहीं डालना, थोड़ा गर्म हो तभी डालेंगे। तो देखिए इस अचार में मैंने 2 से 2.5 टेबल स्पून करा था, ये इसमें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से ये। और इसी तरीके से इस वाले अचार को भी आपने बड़ा ज़्यादा टाइम के लिए रखना, तो थोड़ा सा अचार में इसमें सरसों का तेल डाल देंगे, थोड़ा इसमें बहुत है, ये इसमें डाल दिया मैंने। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए नीचे ये अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया इसको, ये देखिए इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और किसी ग्लास के जार में डाल के भर के रख देंगे। ये देखिए इंस्टेंट खाने हैं, जल्दी खाने हैं, आपको ऑयल ज़्यादा नहीं यूज़ करना तो आप मत डालिएगा बाद में सरसों का तेल। अगर करना है थोड़ा टाइम ज़्यादा के लिए रखना है तो आप थोड़ा सा सरसों का तेल बहुत गर्म नहीं डालना, बहुत ठंडा नहीं डालना, इसमें डाल दीजिएगा जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और देखिए हमारे दोनों तरीके के मिर्च के अचार रेडी हो गए हैं खाने के लिए बिल्कुल। और अगर आपको ये कैसी लगी मेरी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। और अब है तो बहुत ही आसान, सामान भी वही है जो इजीली घर में अवेलेबल होता है, इसके लिए आपको भागना नहीं है। क्योंकि जनरली आपको पता है हमारे यहाँ इंडिया में अचार तो हम डालते ही रहते हैं, कभी मिर्ची, कभी अदरक, कभी आम का अचार, गोभी, शलजम, गाजर, तो अचार तो चलते रहते हैं और हमें खाना भी अचार के बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो चलिए इस बार आप मिर्च का अचार बनाइए और बताइएगा कि आपका कैसा बना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।